अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटर रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है कंपैरिजन वीडियो है बिटवीन टोयोटा यारिस 1300 सीसी मैनुअल एंड बिटवीन होंडा सिटी 1200 सीसी मैनुअल वेरिएंट। ये ब्रांड न्यू 2021 है और ये भी 2021 है, दोनों आपको 0 मीटर मिलती हैं। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में गाड़ी की प्राइसेस का दोनों की और दोनों की कौन कौन सी ड्यूरेबल गाड़ी है। आए हमारे साथ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस गाड़ियों का आपके लिए कंपैरिजन लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप कंपैरिजन करें, क्योंकि मेरी आदत होती है, मैं ऑनेस्टली ना बेबाक होकर बोल देता होता हूँ जो गाड़ी में फॉल्ट है जो नहीं है। तो आज हम इन दोनों का करेंगे। कुछ लोगों के जहन में होगा कंपैरिजन फेयर है या फेयर नहीं है, तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हम कंपैरिजन इस बेस पे नहीं कर रहे हैं कि हर चीज़ मिलती जुलती है, हम इस बेस पे कर रहे हैं कि प्राइस ब्रैकेट सेम है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की नज़र प्राइस पर ही होती है। क्योंकि सारी बात है, कंपनी बेसिक वेरियंट इसीलिए लॉन्च करती है कि जो मतलब अफोर्ड कर सकता है बेसिक वो बेसिक ले, जो हाई अफोर्ड कर सकता है तो हाई स्पेक ले। इसी तरह ये 1200 सीसी मैनुअल 2021 है, वो 1300 सीसी मैनुअल 80 वेरियंट है। मैनुअल ट्रांसमिशन है, जियो लाइन नहीं है, उसमें अलॉय नहीं होते। इन दोनों का कंपैरिजन फेयर बनता है क्योंकि प्राइस ब्रैकेट तकरीबन सेम है। और अगर किसी के जहन में आ रहा है कि जियो लाई के साथ रिव्यू किया जाए, यारिस की जियो लाई जो बिल्कुल बेसिक 1300 सीसी मैनुअल होती है, तो इंशाल्लाह सुन वो उस गाड़ी का रिव्यू भी आपके लिए लाएंगे अगर पॉसिबल हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की प्राइस ब्रैकेट की, क्या किस प्राइस ब्रैकेट में ये फॉल करती हैं। 26,90,000 आई थिंक कि इसकी इनवाइस है, इसकी का मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि हम लोगों ने डील करना होता है तो वो आम के साथ होता है। और एक सबसे बड़ी मिसकनसेप्शन इस वीडियो में दूर करना चाहूँगा, और ये मिसकनसेप्शन दूर इसीलिए करना जरूरी है कि बहुत सारे लोग मिसकनसेप्ट हैं इन गाड़ियों के बारे में कि जो ऑन है वो माफिया है, ये है वो है। अब एक बंदा अपनी हार्ड एंड मनी को खर्च करके जब वो गाड़ी खरीदता है तो प्रीमियम मांगना मेरा ख्याल है उस लिहाज से नामुनासिब नहीं है जिस हिसाब से हम लोग समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि ऑन मांग रहे हैं, ज्यादती है, ये है वो है। देखिए कुछ लोगों का बिजनेस ही ऑन बन गया। अब देखें आप ऑन क्यों भर रहे हैं, इसीलिए भर रहे हैं कि आपको रेडी डिलीवरी चाहिए। अगर आप 3 महीने 4 महीने वेट करते हैं जिस तरह उस बंदे ने किया तो आप भी करें, नो डाउट अच्छी बात है, अपने पैसे बचाने चाहिए, इंसान बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है। तो ऑन मेरी नज़र में, पहले मैं भी इसको बड़ा गलत समझता था, लेकिन जब से आप एक बिजनेस में आते हैं ना तो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स का पता होना चाहिए। तो ये अब इसके हम इसके डिज़ाइन वाइज आपको बताते हैं कि डिज़ाइन किसका खूबसूरत है, ड्यूरेबल कौन सी है, प्राइस ब्रैकेट कौन सी अच्छी है, फ्यूल एलिट किसकी अच्छी है। तो वीडियो तक आपसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है आज की वीडियो में कि एंड तक लाजमी देखिएगा। लास्ट टाइम होंडा सिटी में उसमें थोड़ा सा वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम था, वॉइस थोड़ी लो थी, एडिटर में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, अपडेट्स हो गई। तो आज की वीडियो में वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो का एंड तक लाजमी होगा। अब हम अपना प्रॉपर डिफेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीयर, सबसे पहले हम बात करेंगे होंडा सिटी की, उसके बाद हम बात करेंगे टोयोटा यारिस की। होंडा सिटी की सबसे पहले मैं ये बात करता चलूँ कि बाय लुक आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी गाड़ी की लुक अच्छी है, और फिर मैं भी अपनी राय बताता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने यारिस और होंडा सिटी कंपेरिजन में यही कहा था कि होंडा सिटी की लुक ज़्यादा अच्छी है पुरानी शेप की, जो कि जिसकी उम्र 10 साल थी, अब लापता है। अब की बात यारिस और इसमें ज़्यादा लुक वाइज होंडा सिटी ज़्यादा अग्रेसिव है, तो होंडा ने अपनी ये रस्म जारी रखी है कि गाड़ी बाय मेन लुकिंग बनाए, मतलब बाय लुक अच्छी गाड़ी बनाए। होंडा की लुक में आपको हेलोजन लाइट और DRL स्टैंडर्ड मिलते हैं ऑल वेरिएंट्स में, और होंडा में आपको फोग लैंप्स की जगह मिलती है, और अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाएं तो वो भी काफ़ी बड़े साइज के लगते हैं। अब इसी के कंट्रारी अगर हम यारिस की तरफ चलें तो यारिस में आपको सब कुछ मिलती है, लेकिन यारिस की जो DRL है वो सिर्फ 80X वाली वेरिएंट में मौजूद होते हैं, बाकी में नहीं मौजूद होते। और बाय लुक यारिस ज़्यादा बेहतर इस सेंस में है कि यारिस में ना हर चीज़ आपको अवेलेबल है, होंडा में आपको 1.2 में अब मौजूद नहीं है। अब दूसरी बात जो मैं सबसे पहले करनी चाहिए थी लेकिन सेकेंड पर कर रहा हूँ, वो है इन गाड़ियों की रेट्स की। होंडा सिटी 1.2 मैनुअल वेरियंट इनवाइस मिला के सब कुछ ऑन शॉन मिला के 30 लाख 28 लाख की पड़ती है। यारिस आपको मिलती है 28 लाख में, वो भी अगर आप कहीं से ऑन कम ज़्यादा हो तो फिर मुनासिब पैसे मिल जाएगी।
अब अगली बात हम करते हैं इंजन की। यारिस में आता है जी 1300 cc VVTL इंजन और इसमें आता है 1200 cc IVTEC इंजन। दोनों की जो कैटेगरी है वो काफ़ी हद तक सेम है। यारिस में आपको 15 इंच का लैरियन मिलता है, 185/60 R15 का टायर आता है, जबकि होंडा सिटी में आपको 175/65 R15 का टायर मिलता है, क्योंकि इसमें टायर की जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है। काफ़ी फोरम्स में ये बात भी डिस्कस हुई कि ये गाड़ी के टायर नहीं, रिक्शे के टायर हैं और होंडा ने रिक्शा लॉन्च कर दिया। काफ़ी फोरम्स में बड़ी फनी बात थी और वैसे भी एक अच्छी जेन्युइन बात लोगों ने किया। आप ये देखें, गाड़ी की लुक और टायर जस्टिस करते ही नहीं एक दूसरे के साथ। सो रियर लुक वाइज इसमें भी आपको ब्रेक लाइट, इंडिकेटर लाइट मिलती है, इसमें आपको ट्रंक का बटन मिलता है, चाबी में इसमें नहीं मिलता। उसके साथ रिफ्लेक्टर्स और बम्पर एक्सटेंशन दोनों में शुक्र है मौजूद नहीं है। करेक्टर लाइंस अगर की बात की जाए तो आप होंडा सिटी पे देख सकते हैं, जो कि आपको यारिस में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो एरोडायनामिकली होंडा ज़्यादा एफिशिएंट है और यारिस इतनी एफिशिएंट नहीं है। और अगर हम लुक की बात करें यारिस की, तो यारिस की रेयर लुक भी अच्छी है, लेकिन जो स्मार्ट लुकिंग है ना वो है वैसे यारिस की। ये सारी जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ ना, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, इसमें आप ये कभी कंसिडर ना करें कि ओवरऑल है, पर्सनल मेरी ये, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है गाड़ी में। और आप मुझे बताएं कि रेयर लुक वाइज कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। जो सही बताएगा, जिसके वोट ज़्यादा होंगे, जिसके कमेंट पर ज़्यादा लाइक्स होंगे, उसका कमेंट वीडियो के नीचे पिन कर दिया जाएगा। सो व्यूअर्स, अगर लुक की बात की जाए तो यारिस का इंटीरियर लुक मोर ब्यूटीफुल, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। बेज ब्लैक का कम्बिनेशन के साथ आता है और ये बेज कलर है, और टोयोटा मोस्टली गाड़ियों में बेज ही यूज़ करता है। यही वजह है टोयोटा की कामयाबी की पाकिस्तान में, कि इन्होंने GLI, XLI सब में बेज इंटीरियर दिया है। मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आती है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, AC कंट्रोल्स मैनुअल है, और इसमें आपको एक चीज़ LED नहीं मिलती। LED में फंक्शन वो डिफरेंट वेरिएंट्स में डिफरेंट होते हैं, नेविगेशन किस में है किस में नहीं है वो बात की बातें हैं। एयरबैग दो मौजूद हैं, पावर विंडोज और ग्लॉसी ब्लैक के साथ इसमें आपको डोर पैनल मिलते हैं। अब हम चलते हैं होंडा सिटी की तरफ और होंडा सिटी का दिखाते हैं। ये देखें, होंडा सिटी की बात कर ले तो होंडा सिटी में आपको क्रीम टाइप का कलर मिलता है, और इंटीरियर आप इसका देखें, इंटीरियर में आपको LED मिलती है, जिसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल, उसके अलावा यूट्यूब ऑप्शनल है, वो आप लगवा सकते हैं बाद में, वो भी टोयोटा से होंडा से लगवाएं तो बेहतर है। रिट्रैक्टेबल मिरर इसमें मौजूद है, और इसमें एक शीशा ऑटोमेटिक आता है, सीटें मैनुअल हैं और इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं हैं। एयरबैग इसमें भी दो मौजूद हैं, शुक्र है होंडा ने ये रस्म भी तोड़ी है अपनी, केयर बैग देना शुरू किए हैं। सो रियर पर बात करते हैं, रियर साइड की, पीछे की, पीछे दो चार्जिंग डॉक मौजूद हैं, USB भी उसमें आप लगवा सकते हैं, ऐसे चार्जिंग डॉक भी बोलते हैं। लेग रूम ज़्यादा बड़ा यारिस का, हालांकि ये वाली सीट काफ़ी पीछे हुई है, और हेड रूम भी यार इसके काफ़ी बेहतर है। अब हम चलते हैं होंडा सिटी की तरफ। अगर बात की जाए लेग रूम की, तो होंडा सिटी का लेग रूम भी स्पेशियस है, लेकिन सीटें अभी स्टैंडर्ड जिस जगह पे होती है उसी जगह पे हैं, तो उस हिसाब से आप नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा। बहरहाल इसमें आपको आम बस में दो ग्लास होल्डर मिलते हैं, और पीछे इसमें भी आपको दो चार्जिंग डॉक मिलते हैं। उसके साथ साथ हेडरूम यारिस से ज़्यादा बड़ा होंडा सिटी से, चाइल्ड सेफ्टी दोनों में स्टैंडर्ड आती है। सो व्यूअर्स, अगर फाइनल वर्डिक्ट इस गाड़ी दोनों गाड़ियों के बारे में दिया जाए, तो बाय लुक और एरोडायनामिकली एफिशिएंट और फ्यूल एवरेज वाइज होंडा नंबर ले जाती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी यारिस से बेहतर होंडा की ही है। लेकिन एक चीज़ जिस चीज़ में होंडा रेटिंग नहीं लेके जाती है और वो बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, वो है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की।
अभी फिलहाल पार्ट्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी गाड़ी मार्केट में न्यूली लॉन्च हुई है। यारिस के आपको पार्ट्स हर शहर से मिल जाते हैं और मेंटेनेंस भी ईजी है। अब आईवी टेक इंजन उसमें मौजूद है तो वो पुरानी वाली जनरेशन में भी आता होता था तो उसकी भी मेंटेनेंस काफ़ी ईजी है। लेकिन अभी होंडा सिटी आपको पता है रिसेंटली न्यू आई है तो इस पर ऑन काफ़ी है, तो अभी यारिस पे ऑन कम है। तो इसी तरह गाड़ी जैसे मार्केट में चलेगी तो अंदाज़ा होगा। लेकिन फ्यूल एवरेज होंडा सिटी मैनुअल वेरिएंट 15 आराम से दे देती है, जबकि यारिस में सॉफ्ट पेडल पे आपको 14-16 की एवरेज मिलती है डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग स्टाइल। अगर हम बात करें फ्यूचर प्राइस ब्रैकेट की तो होंडा सिटी की प्राइस इतनी रहेगी, यारिस की भी इतनी रहेगी। लेकिन एक वक्त आएगा 3-4 महीने बाद कि ऑन जो होंडा सिटी पर इस टाइम 3-5 लाख रुपये वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा होती है तो ऑन कम हो जाता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन ऑफ टोयोटा यारिस एंड होंडा सिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।